दोस्तों इस बात का अंदाज़ा लगाना कि आपका चैनल डेड है या आपके चैनल के ऊपर कोई और रीज़न है कि आपके व्यूज़ नहीं आ रहे, तो इस तरह अंदाज़ा नहीं लग सकता। लेकिन अगर आपसे मैं 2 से 3 ऐसे क्वेश्चन करूं, अगर आप उनका आंसर करेंगे तो आपके चैनल का एनालिटिक और चैनल के हवाले से बता दूंगा कि आपका चैनल डेड है, आपको मज़ीद इसके ऊपर मेहनत करनी है या आप इसको क्विट करके दूसरा चैनल क्रिएट कर दें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में 2 से 3 ऐसे क्वेश्चंस जो कि बार बार व्यूअर की तरफ से मुझे रिसीव हो रहे हैं और ईमेल के थ्रू भी मिल रहे हैं, जिनकी बेस के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाना मकसूद समझा कि आप लोगों को इसके हवाले से पूरी डिटेल बताई जाए। सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि क्या आप जब वीडियो को अपलोड करते हैं आपका थंबनेल इम्प्रेशन कितना है? आप अपने 1 घंटे का इम्प्रेशन बता दें, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपका थंबनेल आई कैची है, आपका थंबनेल अट्रैक्टिव है, क्या ये आपके व्यूअर को दिखाया जा रहा है। तो इससे ये अंदाज़ा लगता है कि आपकी इम्प्रेशन अगर 100 आए हैं तो उसके ऊपर क्लिक्स कितने आए हैं। ये मेन चीज़ होती है कि आपके इम्प्रेशंस के अगेंस्ट जो टारगेट होता है या आपके उस इम्प्रेशन के हिसाब से जो व्यूअर क्लिक करता है उसको भी यूट्यूब काउंट करता है। इसको आपने खुद से एनालिसिस करना है। अगर आपको इस हवाले से मज़ीद भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन अवेलेबल है, लेकिन ये आपकी प्रॉब्लम एक हो सकती है अगर आपकी वीडियो के ऊपर व्यूज़ नहीं आते। दूसरा कि आपका चैनल का जो इम्प्रेशन ओवरऑल है वो आपका कितना है? अगर आपका न्यू चैनल है तो आपका 10 से 12% होना चाहिए। अगर आप पुराने हैं तो 6, 7 या 4, 5 तक भी चल जाता है अगर आपके लाखों में व्यूज़ आते हैं मज़ीद पिछली वीडियोस के ऊपर। लेकिन अगर आपका इम्प्रेशन एज अ न्यू यूट्यूबर 10 से कम है 8, 7 भी चल जाता है लेकिन इससे कम है, तो इसका मतलब है कि आपका चैनल डेड हो रहा है, आपको मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आप अपने उस थंबनेल के ऊपर काम करें जिसकी बेस के ऊपर आपको आपकी वीडियोस के ऊपर अच्छे खासे व्यूज़ मिल सकते हैं। आपका थंबनेल आपके इम्प्रेशन बढ़ाता है, आपके व्यूज़ बढ़ाता है। उसके बाद भी अगर आपके व्यूज़ नहीं आते तो आप अपने टाइटल को चेंज करें, अपनी डिस्क्रिप्शंस को चेंज करें, आप अपने चैनल के जो टैग्स हैं इवन उनको भी चेंज करें। अगर इस तरह का आपका क्वेश्चन है तो मैंने इसी से रिलेटेड वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उनको देख लें, जिनकी बेस के ऊपर आप अपने चैनल की सेटिंग ईजिली कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्या ये चीज़ें करने के बाद आपका चैनल का एनालिटिक किस तरह शो होता है। अभी मैं अपने YT स्टूडियो के अंदर दिखाता हूं कि मेरा किस तरह से नज़र आ रहा है, मेरे इंप्रेशन किस तरह से जा रहे हैं और मेरे उस चैनल की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो कितने परसेंट पे खड़ी है। आपकी मैं आपको बता रहा हूं 10% मिनिमम होनी चाहिए, कोशिश करें 10 से ऊपर ही लेके जाएं ताकि आपके चैनल को डेड होने से बचाया जा सके। अभी YT स्टूडियो के अंदर आपको ले के चलता हूं और बताता हूं कि किस तरह से आपके इंप्रेशन काउंट होते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं अपने YT स्टूडियो के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पे मेरी वीडियोस के इम्प्रेशंस और तमाम चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। सबसे पहले यहाँ पे वीडियोस आप देखें, 48 घंटे के अंदर मेरे 1269 व्यूज़ आ रहे हैं और मैक्सिमम व्यूज़ इस वीडियो के ऊपर आए हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर। अगर मैं यहाँ पे इस वीडियो के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे दिखाता हूँ कि इसकी रीच कितनी आई है, 4,39,000 इसकी रीच आई है और इसका इम्प्रेशन ओवरऑल 16% है और यहाँ पे इसने 77,700 मुझे व्यूज़ दिए हैं। और उसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पे अर्निंग की बात करूँ और वॉच टाइम भी इसने तकरीबन 2300 घंटा दिया है और $47 मुझे इसने अर्निंग भी दी है। अगर आप इस वीडियो के अलावा अगर अपना चैनल का जो इम्प्रेशन है या उसका ओवरऑल परसेंटेज चेक करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे कंटेंट के ऊपर क्लिक करना है। कंटेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके इम्प्रेशंस जो है ना लास्ट 28 डेज़ के यहाँ पे मिल जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको इम्प्रेशन क्लिक थ्रू रेट मिलता है जो कि आपके चैनल का ही है। आप वीडियो का अलहदा से चेक कर सकते हैं लेकिन ये जो है ना आपके चैनल का है, इसकी बेस के ऊपर ही आपके व्यूज़ बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसको आपने बेटर बनाना है, आपके जितने अट्रैक्टिव थंबनेल होंगे उतना ही आपकी वीडियोस के ऊपर अच्छे खासे इंप्रेशन आने के साथ साथ व्यूज़ भी बढ़ेंगे। तो आपने चेक करना है कि ओवरऑल आपका कितना इंप्रेशन है और एवरेज व्यू ड्यूरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप YouTube के ऊपर काम करते हैं तो आप एवरेज व्यू ड्यूरेशन को भी बढ़ाएं, इसकी बेस के ऊपर भी आपकी वीडियोस वायरल होती हैं और इसी की बेस के ऊपर आपके जो ओवरऑल व्यूज़ हैं वो भी बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने चैनल का इंप्रेशन चेक कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये मेरी वीडियो पसंद आती है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मुझे ये भी बताएँ कि आपका ओवरऑल
इंप्रेशन कितना है। इसके अलावा अगर हमारी इस वीडियो के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन अवेलेबल है। होप यू एंजॉय दिस वीडियो, मिलता हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।